नमस्कार दोस्तों। एक गुरु अपने शिष्य के साथ गंगा नदी के तट पर नहाने के लिए पहुंचे। वहां एक ही परिवार के कुछ लोग आपस में बात करते करते एक दूसरे पर क्रोधित हो रहे थे, एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। गुरु यह देखकर तुरंत पलटे और अपने शिष्य से पूछा, क्रोध में लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? शिष्य कुछ देर सोचते रहे, उसके बाद उसमें से एक ने उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में शांति खो देते हैं। इसलिए जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने की खड़ा है तो भला उस पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? जो कहना है आप धीमी आवाज में भी तो कह सकते हैं। गुरु ने दोबारा प्रश्न किया, कुछ और शिष्यों ने उत्तर देने का प्रयास किया पर गुरुजी संतुष्ट नहीं हुए। अतः गुरुजी ने समझाया कि जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं तो दिल से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और इस अवस्था में एक दूसरे को बिना चिल्लाए सुन नहीं सकते। वे जितना अधिक क्रोधित होंगे उनके बीच की दूरी उतनी अधिक बढ़ती जाएगी और वो तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देंगे क्योंकि दूरी बढ़ चुकी है। होता क्या है, दो लोग प्रेम में होते हैं तो वो चिल्लाते नहीं हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, उनके दिल करीब हैं, वो एक दूसरे के पास हैं। दूरी तो नाम मात्र की है क्योंकि ये प्रेम की शक्ति होती है। और जब हम एक दूसरे को हद से अधिक चाहने लगते हैं तो क्या होता है, तब वे बोलते भी नहीं हैं, एक दूसरे की तरफ देखकर सामने वाले की बात समझ जाते हैं। ये सच्ची कहानी है, इसको अपने जीवन में उतारिए और जीवन को मूल्यवान बनाइए। जीवन अनमोल है, उसको जीने का तरीका यही होना चाहिए। अगर हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते तो हमें लड़ने का भी कोई हक नहीं है, और अगर प्रेम करना है तो उस हद तक चाहो, उस हद तक उसे प्यार करो जहां बोलने की जरूरत भी ना पड़े। धन्यवाद दोस्तों।